कैपिटल स्पोर्ट विशिकल शेख के साथ मैं नवीद खोखर, नाजिम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से बात करेंगे। तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन है आज और तीसरा सेशन जारी है। अब तक पाकिस्तान तकरीबन 250 के करीब रन स्कोर कर चुका है, चार खिलाड़ी उसके आउट हुए हैं। 391 रन स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में। इस पर बात करेंगे शकील शेख साहब, मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब, मैच ज़्यादा तो ड्रॉ की तरफ जा रहा है, वैसे आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जान है अभी, सही तीसरा दिन है और क्योंकि बाबर आजम और रिजवान खड़े हैं और अगर ये लंबे लंबा स्टैंड होता है फिफ्थ विकेट का लंबे से, मेरा मुराद ये है कि अगर ये स्टेडियम के टारगेट को चेज़ कर देते हैं 391 को और उसके बाद 101 रन ऊपर करते हैं तो पाँचवें दिन या चौथे दिन का जो आखिरी सेशन होगा वो ज़रा थोड़ा सा डेंजरस होगा। सही, विकेट के आपको पता है क्रैक्स खुल चुके होंगे और स्टेडियम के लिए ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। हालाँकि वो दो टेस्टों में उन्होंने साबित किया है कि वो सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर भी, स्लो विकेटों पर भी खेल सकते हैं और झुक के भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, हालांकि उनकी आदत नहीं है, नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट की है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप जैसी कंडीशन हो, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। इसलिए ये जो विकेट है पाकिस्तान की, रिजवान की और अपना बाबर आजम की, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकेट। अगर ये थोड़ा सा लंबी पार्टनरशिप करते हैं तो मैच में जान आती है। अदरवाइज़ ये है कि अगर ये नहीं करते, फर्ज करें कि पाकिस्तान 391 नहीं करता, तो फिर ये मैच है ना, ये एक एक इनिंग आपको पता तीन दिन ख़त्म होने के बाद या अपना चौथे दिन, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर चांसेस इसके ड्रा के होंगे। बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट में आपको पता है अनएक्सपेक्टेड थिंग होती हैं, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। लेकिन ये सीरीज़ जो है उस पर मेरा तो ख्याल है कि तीनों अगर ड्रा होते हैं सही, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया इस वक्त नंबर वन है, पाकिस्तान पाकिस्तान दूसरे नंबर, तो पाकिस्तान भी नहीं ये चाहता कि कोई ऑस्ट्रेलिया जीते, ताकि वो, क्योंकि पाकिस्तान नंबर वन है और फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ शायद इंडिया कम्पीट कर रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा नीचे है, बाकी जो इंग्लैंड भी बड़ा नीचे है, साउथ अफ्रीका भी 36 के साथ है, साउथ अफ्रीका भी क्लोज है। तो पाकिस्तान का अलग सीरीज काफ़ी रहती है, वो नहीं है 2023 तक है, लेकिन पाकिस्तान चांस लेना चाहता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तैमूर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तैमूर साहब, बताइएगा, मैच कंडीशन आपके सामने ही है, आप क्या समझते हैं, क्या आप मैच ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं या पाकिस्तान जो भी बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान को तकरीबन इस वक्त कितना स्कोर होता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से विकेट इस वक्त प्ले कर रहा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैं मैच देख रहा था और जिस तरीके से फवाद को बोल्ड किया है, दैट वाज अ ब्यूटी एनीवे फ्रॉम स्टार्ट। लेकिन मेरे ख्याल में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कल सुबह का पहला सेशन है। अगर रिजवान और बाबर आज सर्वाइव करते हैं और कल किस पेस के साथ वो आके बैटिंग करते हैं, क्या माइंडसेट शो करते हैं, आई थिंक वो डिफाइन करेगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट टू विन दिस टेस्ट मैच। 391 100 रन की भी लीड लेते हैं वो, लेट सपोज, या 100 की नहीं 50 की भी ले लेते हैं। अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। आई डोंट सी कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, इसका रिजल्ट मुझे आता नजर आ रहा है कल के पहले दो घंटे का जो सेशन है वो ये डिफाइन करेगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। सही सही जी, तैमूर आपको मैं वेलकम करता हूँ। ये बताइए कि ये बाबर आजम क्या करना चाहता है दुनिया है क्रिकेट में, ये फिर आप 50 दोबारा कर दी है, पहले भी आप मैच बचाया पूरा और बड़ा लंबा खेला, आपको पता है डबल सेंचुरी अलग मिस की लेकिन मैंने रिकॉर्ड उसमें सेट कर दिया उसने। फिर जो बाबर आजम के अलावा मैं जो पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक में ना ये पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा अच्छा डिफेंस है इसका, आप फर्स्ट क्लास बड़ी खेले हो और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो क्रिकेट में, तो आपका इन दोनों पे क्या तबसरा है? देखिए, बाबर के बारे में तो खैर सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बाबर ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कह चुका है, मेरे ख्याल में उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आप ये चीज इसका जवाब बेहतर खुद दे सकते हैं, जिस तरीके से आपने बाबर को क्रिकेट खिलाई है इस्लामाबाद रीजन से और जिस तरीके से उसको ग्रूम किया है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप उसके पहले 7 से 10 टेस्ट मैच उठा के देखें तो ही वॉज अ कम्प्लीट फेलियर इन टेस्ट मैच क्रिकेट, और फिर वहां से टर्न अराउंड करना, तो ऑब्वियसली यू हैव अ मैसिव पार्ट टू प्ले इन हिज करियर। तो आई थिंक उसका जवाब मैं आपसे खुद सुनना चाहूंगा, तो ये मैंने आप पे वापस जवाब सवाल फेंक दिया है। और जहां तक अब्दुल्ला की आपने बात की, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, इतनी सॉलिड टेक्निक डिफेंस के साथ एट द सेम टाइम ही कैन बी एग्रेसिव व्हेन ही वांट टू। जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है वो ये लगी है कि उसको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया है, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। और टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर ही लुक सॉलिड,
मैं ये चाहता हूँ कि शान मसूद को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद पहला टेस्ट खेलेगा, लेकिन इमाम दोनों इनिंग्स में उसने 100 किया है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ गुड चांस नाउ. लेकिन एक अच्छा पीछे बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बैठी हुई है, तो ये जो लड़के अपनी पोजिशन टीम में रखने के लिए सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं खेल रहे हैं, दे हैव टू परफॉर्म नाउ. और एक अच्छे एक अग्रेसिव माइंडसेट हमें नजर आ रहा है टीम के अंदर. बाबर इज लीडिंग द टीम वेरी वेल, एक अच्छी उसकी फिलॉसफी है, एंड द टीम इज अडॉप्टिंग एंड बाइंग इनटू दैट फिलॉसफी, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. अच्छा तैमूर, ये बताएं कि बहुत लोग आप बात कर रहे हैं कल के स्पेल के बाद नसीम शाह को बहुत वो टॉप पे देख रहे हैं, रेट भी अच्छा कर रहे हैं, उसने बॉलिंग बड़ी तकड़ी कराई है, 140 प्लस पे तकरीबन गेंद कराया है, 4 आउट किए हैं, शहनशाह तो है ही है हमारे पास, तो इस बच्चे के मतलब आपका क्या ख्याल है? 19 साल का अभी है और माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो क्या साइन देखते हैं कि पाकिस्तान में यंग लड़के जो हैं वो अमर्ज हो रहे हैं और हमेशा से अमर्ज होते हैं? फास्ट बॉलर तो बड़ी तेज़ी से आते हैं, लेकिन योर थॉट ऑन नसीम शाह? मेरे ख्याल में नसीम शाह हैज टर्न अराउंड सिंस ही वाज ड्रॉप्ड, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान एके टूर पे जाता है और वहां पे ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, उसने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया और पीएसएल वाज अ टर्निंग पॉइंट, ही लुक्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर. अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी बॉल के अंदर पेस देखें, कंसिस्टेंट पेस, एक आध बॉल 140 पे करना बात नहीं होती, अगर आप दो ओवर कंसिस्टेंटली उस पेस के ऊपर जा रहे हैं 140 प्लस, तो दैट शोज कि आपने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया हुआ है. टेस्ट मैच के अंदर भी जिस तरह उसकी फिटनेस बेहतर हुई है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने और अंडर 19 के फॉरेन टूर्स, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का एक पूरा प्लान बनता है, एक आइटनरी बनती है, एक साल का प्लान बनता है, इस तरह इनका भी कैलेंडर बनाया जाए ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत रहे. और जो पाकिस्तान टीम के इस तरह जो यंग लड़के हम खिला देते हैं और जो ये बात की जाती है कि पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं, इस ट्रेंड को हमने खत्म करना है. एंड अंटिल अनलेस पाकिस्तान ए, जिस तरह इंग्लैंड लायंस है, इंग्लैंड के किसी भी टूर पे इंग्लैंड लायंस 60 टूर करती है, उनकी सेकेंड टीम है, तो इसी तरीके से इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए. और इस तरीके से कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान में थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, ही कैन गो बैक टू पाकिस्तान ए, परफॉर्म, work on his fitness, get the performances behind him, and then come back into the Pakistan team. So this is very important. लेकिन इसका critical aspect ये है कि नसीम शाह test में तो अच्छा कर रहा है, मगर उसको one day और T20 से इन्होंने drop कर दिया है. आप क्या समझते हैं, मतलब क्या thinking हो सकती है selectors की कि उसको उस वहाँ से separate करके तो test cricket पे किया है, या आप जो कहते हैं ज्यादती हुई है उसके साथ, या आप कहते हैं कि नहीं वो different category के रखना चाहते हैं fast bowler और वन डे और T20 के प्लेयर, आपका इस पे क्या टेक है? सर मेरे ख्याल में देखिए, अब आप मुझे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा कंफ्यूजन सा उसके अंदर नजर आता है कि आप पीएसएल के ऊपर टीम से एक प्लेयर का कमबैक करवाते हैं इन अ रेड बॉल क्रिकेट और उसे व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर देते हैं, राइट, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज, राइट. सो आई थिंक एवरीबॉडी नोज, आई डोंट नीड टू से दैट के टीम कौन बना रहा है. आई डोंट थिंक सो दैट, आई थिंक वसीम सिलेक्टर नहीं सिर्फ अनाउंसर है इस वक्त कि वो आके प्रेस के सामने बैठ के टीम को अनाउंस करता है. और लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब नसीम को ही शुड रिमेन विद द पाकिस्तान टीम इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स. आई 100% एग्री विद यू ऑन दैट. लेकिन आपने मतलब एक बहुत सॉफ्ट से अनाउंसर कह के आपने काफ़ी कुछ कह दिया है, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है. दिस इज़ अनफ, वेरी सोफिस्टिकेटेड वे एंड और अच्छे स्टाइल में आपने कह दिया है कि सिलेक्टर नहीं है और अनाउंसर है. लेकिन मुझे ये बताइए कि तैमूर, तीनों टेस्ट मैच आप देख रहे हैं, तीसरा टेस्ट मैच अब तीसरे दिन के अख्ताम पे जा रहा है, हाउ डू यू रेट ऑस्ट्रेलियन? उन्होंने यहाँ पे आके कैसे एडजस्ट किया है, और वो नंबर वन टीम है दुनिया में, और उन्होंने देखें इन कंडीशन पे जहाँ पे उनका इस तरह का कोई है ही नहीं है ट्रेंड, वहाँ पे तो खैर क्रिकेट ही और तरह होती है, इट्स अ टोटल डिफरेंट, लेकिन उन्होंने किस तरह एडजस्ट किया है? हाउ डू यू रेट ऑस्ट्रेलियंस एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, उनका कैप्टन जो है कमिंग, आप देखें बहुत झुक के नीचे बॉल आ रहा है फिर भी वो खेल रहे हैं और आउट नहीं हुए, और उन्होंने बड़े लंबे लंबे स्कोर कर दिए, आप कैसे रेट करते हैं इस टीम को, ऑस्ट्रेलियन को? देखिए इसके रीज़न ये है, जो मैंने थोड़ा सा अपना रिसर्च किया इसके अंदर, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने इन द लास्ट टू ईयर्स
इंडिया के दो टूर किए हैं और एक बांग्लादेश से टूर किया है. राइट सही. तो आई थिंक सो दैट्स व्हाई दे हैव एडजस्टेड टू द कंडीशंस. मतलब आइडेंटिकल मेरे ख्याल में वो ज्यादा चैलेंजिंग पिचेस हैं स्पेशली इन बांग्लादेश. वो तो चार चार दिन के अंदर तीन तीन दिन के अंदर टेस्ट मैच का रिजल्ट आ जाता है. जी जी. तो वो तो बहुत ही चैलेंजिंग है. सो आई थिंक दे हैव अडॉप्टेड एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेल ओवर देयर. तो इस वजह से आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर देम टू कम हियर. इन द लास्ट टू ईयर्स एक टीम तीन दफा दो दफा इंडिया जाती है एक दफा बांग्लादेश जाती है. नाउ दे कमिंग टू पाकिस्तान. सो आई थिंक दे आर दे अंडरस्टैंड दे अडॉप्ट रियली वेल. एंड एट द सेम टाइम उनकी अगर आप सिलेक्शन देखें विच इज वेरी फोकस्ड. जो सब कॉन्टिनेंट की उनकी जो सिलेक्शन है इज मोर फोकस्ड विद द प्लेयर्स. स्पेशली दो उस्मान ख्वाजा वापस आए लेकिन अगर आप देखें तो उस्मान हैज ऑलवेज बीन ऑन सब कॉन्टिनेंट टूर्स. तो इस वजह से एंड ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर. तो ये उनकी सिलेक्शन भी इस तरीके से होती है एज पर द कंडीशन. एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा मैसिव उनका रीजन है कि दे परफॉर्मिंग सो वेल और कितने लंबे स्कोर कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन इन द लास्ट टू ईयर्स टू इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन थ्री ओकेजन. अच्छा तैमूर मुझे ये बताओ कि आपने देखी है दोनों टीमें अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान की भी ऑस्ट्रेलिया की वनडे के लिए भी टी20 के लिए भी. ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी कमज़ोर लगती है. मेजर चार या पांच प्लेयर जो है ना वो उनके नहीं है बिकॉज ऑफ आईपीएल या चले जो भी रीज़न है मगर उनकी टीम थोड़ी सी कमज़ोर लगती है. और आपको पता है सुपर लीग के मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आपने पॉइंट लेना है वर्ल्ड कप के लिए. पाकिस्तान की रेटिंग इस वक्त भी आपको पता है वनडे में. तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने और इसमें क्रिटिकल पॉइंट ये है कि शान मसूद जैसा लड़का अमाद वसीम जैसा फिर सरफराज को भी आपने देखा नहीं रखा फिर वो सलमान आगा बड़ी रनें कर रहा था आपने देखा. मेरा ख्याल है आप यहाँ डायमंड ग्राउंड पे भी जाते रहे हैं वनडे के मैच देखे. उमर अमीन बड़ा अच्छा खेला है. तो आप इन दोनों पे क्या तबसरा करते हैं ऑस्ट्रेलियन की जो डिप्लीटेड साइड है. मैं चले डिप्लीटेड ना करें लेकिन थोड़ी सी डाउन साइड पे है स्ट्रेंथ के लिहाज से. और पाकिस्तान की जो वनडे की टीम है उसको आप कैसा रेट करते हैं. देखिए अगेन पाकिस्तान थोड़ा सा सेफ. अगर आप सिलेक्शन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक सेफ सिलेक्शन की गई है. जो बहुत ही आपकी उमर अमीन खासतौर पर आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज कि द गाय इज सच अ सीजन परफॉर्मर और गेट निगलेक्टेड. आई मीन उसकी फिटनेस ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज फिटनेस. He get dropped from the Pakistan team. The guy puts his head down, go back into the domestic cricket aur wahan pe jaake perform karta hai. He works on his fitness, but he has never been given a fair chance, a long run. I think he deserves that. इसलिए मैं आपकी इस बात को 100% second करता हूँ. शान मसूद ने अपने आप को 360 degree change कर दिया है. From a red ball cricketer, he is a proven T20 and a one day player. अगर आपको याद हो उसके आखिरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने आखिरी अपना वनडे खेला उसके अंदर भी उसने 50 किया हुआ है. सो एंड ही इज बीन ड्रॉप सिंस देन बिफोर द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप. सो आई डोंट सी कि शान मसूद के साथ उमर अमीन के साथ इनको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है. एंड इनके पीछे इतना एक्सपीरियंस है. आई थिंक लीडिंग अप टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप आई थिंक वी नीड टू अब हम इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी प्लानिंग करें उस वर्ल्ड कप के लिए आइडेंटिफाई कर दें. Harris is a good induction, I think, in place of Sarfaraz for a home series, yes. But Sarfaraz, again, you cannot write him off. Mere liye thoda sa surprise tha, I think it would have been a good opportunity kisi ek Huraira jaise youngster ko jisne exceptionally performed kiya domestic cricket mein, usko one day mein announce karte, just to, even if they don't want to play him, to give him that confidence that he is a Pakistan international material and he will represent Pakistan in the future. लेकिन ओवरऑल मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझे तो बहुत कंफ्यूजन नजर आ रही है. आप व्हाइट बॉल पे रेड टीम अनाउंस कर देते हैं रेड की परफॉर्मेंस के ऊपर आप व्हाइट बॉल टीम अनाउंस कर देते हैं. तो वही बात है कि सिलेक्टर कोई और है अनाउंसर कोई और है. दे नीड टू हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रेटजी. और अबाउट ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलियंस यू सेड ऑस्ट्रेलियंस ओके आई थॉट आप कह रहे हैं एलियंस. ऑस्ट्रेलियंस Australians, I think, yes, देखें ऑस्ट्रेलिया इज आप यू कैन नेवर इवन अगर उनके तीन चार मेन प्लेयर भी नहीं है फॉर वट एवर रीजन यू कैन नेवर राइट देम ऑफ. यू नो इवन किसी ने उनको चांस नहीं दिया था T20 वर्ल्ड कप में कि दे कैन गो एंड विन द वर्ल्ड कप. इट वॉज ऑल अबाउट इंडिया और पाकिस्तान बट दे वॉन द वर्ल्ड कप. सो यू कैन नेवर राइट ऑस्ट्रेलिया ऑफ इन वाइट बॉल क्रिकेट. जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं एनी बडी हु कम्स इन गेटिंग इंडक्टेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम दे अडॉप्ट दैट सिस्टम that style of play and they perform. So
I think it'll be a brilliant one day and one off T20. अच्छा तैमूर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं कि KPL पे क्या ब्रीफ है आपका, तैयारी है, मई आ रहा है, आपको पता है एक महीना रह गया, इसके बाद मई जून में आपने करवानी थी, फिर उसकी क्या तैयारियां हैं, फॉरेन प्लेयर का परमिशन हो गई है, क्या आपके क्या प्रिपरेशंस क्या चल रही है KPL, पीपल आर वेटिंग, बहुत सारे क्रिकेटर फ़ोन भी करते हैं तो वो पूछते भी रहते हैं, और वो मतलब कईयों की डिमांड थी कि तैमूर साहब आएँ तो वो थोड़ा सा बताएँ तो हमें थोड़ा सा पता भी लग जाएगा, तो आपका क्या ब्रीफ है KPL पे? सर, KPL की जहाँ तक बात है, वी हैव अ कमिटमेंट विद द कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड और कश्मीर की क्रिकेट के ऊपर, जो KPL का एक चांस है। वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ फीडर लीग, जिसका मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था, बल्कि इसी पे मैंने अनाउंस किया था, देयर विल बी अ फीडर लीग व्हिच इज कॉल्ड KT20, कश्मीर T20। इसके अंदर पाकिस्तान के एक एक इंटरनेशनल प्लेयर्स 6 टीमों को कैप्टन करेंगे, सही, और बाकी सारे प्लेयर्स कश्मीरी होंगे। फिर इसमें से जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे कश्मीरी प्लेयर, वो ड्राफ्ट में जाएंगे, क्योंकि एवरी फ्रेंचाइज हैज टू पिक 5 कश्मीरी ओरिजिन प्लेयर्स इन दिस स्पॉट, और 2 को प्लेइंग 11 में होना जरूरी होता है। तो ये एक फीडर लीग हम कश्मीर के टैलेंट को मजीद सामने लाने के लिए, उनको मोर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ये कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। जहां तक लीग की बात है, KPL की, यस, इट्स बीन डिलेड, इट विल नॉट बी टेकिंग प्लेस इन मे। It's more likely to be happening either again, इसके ऊपर हमारा PCB के साथ थोड़ा सा डेट के ऊपर वो हो रहा है कि क्योंकि एशिया कप की भी डेट अनाउंस हो गई है अब, विच इज ऑगस्ट। पहले हम लोग 10th से 25th का विंडो देख रहे थे ऑफ ऑगस्ट, नाउ आई थिंक इट विल बी पुल बैक अगेन। हमने वेदर भी देखना है, क्योंकि इट बी रियली हॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट जुलाई इज लुकिंग राइट नाउ एंड दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा, मैं सबसे पहले मेरे ख्याल में आपकी प्रोग्राम में आके ये बताऊंगा कि क्या डेट फाइनलाइज हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, KPL पे की बात करते हैं, इसके बाद ज़रा मैच पे बात करते हैं। 258 रन हो चुके हैं पाकिस्तान के और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, रिजवान भी चले गए। रिजवान के आउट होने से तो पाकिस्तान को, मैंने कहा था ना कि अगर ये आउट होते हैं, ये थोड़ा सा अब देखें ऑलराउंडर शुरू हो गए हैं तो, लेकिन बाबर खड़ा है अभी और काफ़ी लंबी इनिंग खेल सकता है, उसने साबित कर दिया है कि वो वर्ल्ड क्लास है। और तैमूर ने भी कहा कि उसने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया है और शुरू से, और माशाल्लाह पाकिस्तान का ना सिर्फ स्टार है बल्कि आज की दुनिया में ना ग्लोब पूरे ग्लोब में क्रिकेट ग्लोब में ही इज़ रेटेड नंबर 1, और जो भी मुल्क उठा के देखें, कोई भी रैंकिंग देखें, तो बाबर आजम इज़ ऑन द टॉप। ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है कि पाकिस्तान से एक नौजवान लड़का आया है और उस दुनिया में छा गया है। तो बाबर आजम से मुझे उम्मीद है, लेकिन यह है कि अगर ये लीड लेते हैं तो फिर मैच है ना थोड़ा सा बनता है, अगर ये पाकिस्तान लीड नहीं ले सका, हालात तो नहीं दिख रहे ऐसे लीड लेने वाले, मुश्किल अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो अगर नहीं होता तो फिर ये ड्रा की तरफ जाएगा और आप ये कह सकते हैं कि फिर ये सारी सीरीज जो है ये डाल एंड ड्रैप ड्रा हो गई है, सही, और इसमें कोई पॉइंट नहीं मिला। शेख साहब, बहुत पहले बात की जाती थी कि क्रिकेट टीम के अंदर दोस्तियां पाली जाती हैं, रिश्तेदारियां पाली जाती हैं, एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है। अभी तो बाबर आजम है, जैसे तैमूर खान साहब भी बात कर रहे थे, बाबर आजम तो बहुत बड़े और यूनिक प्लेयर हैं, लेकिन अभी भी है कोई दोस्तियों वाला सिलसिला है, कुछ दिख रहा है ऐसा? मैंने देखे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखी हैं, मगर अनफॉर्चुनेट हमारा जो सोशल मीडिया है वो लोगों के कईयों के अपने ज़ाती इंटरेस्ट तो ये होते हैं, हमारे से ज़्यादा कौन स्टेक होल्डर जी, ऐसे ही है, ऐसे अगर ही। हम नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये गलत बात है, इस तरह की रिफ्ट पाकिस्तान टीम में इस तरह के सिग्नल नहीं जाने चाहिए। और ये देखें पाकिस्तान की टीम है, गली मोहल्ले की तो टीम नहीं है, सही बात है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान का इमेज है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है क्रिकेट की दुनिया में। तो लोगों का होता यह है कि कोई किसी का लड़का ड्रॉप हो जाता है वॉट एवर रीज़न, अच्छा शायद रीज़न उनकी ठीक भी हो, लेकिन उसको दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाना दोस्तियां और फिर ग्रुपिंग और ये वो, मैं इन चीज़ों पर ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैंने देखे 25-30 साल ना मैं इस सारे सिस्टम में रहा हूँ, मुझे पता है सारा, सही। लेकिन ये है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सोशल मीडिया वाले ना हवाइयाँ छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर उस पर बहस होती है, फिर वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। अभी मुझे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि मेरिट पे खेलें, सिलेक्शन पे आप कह सकते हैं, देखें लाइकिंग डिसलाइकिंग है, सही, सिलेक्शन का वो स्टैंडर्ड नहीं है, आप जितना मर्जी करें तनकीद करें कोई बात नहीं, सही है। लेकिन ये कहना कि जी वो ग्रुपिंग हो गई है, वो फलाना हो गया, एक ख़ास कलर देना इस सारी चीज़ को और फिर उस पर खाम खा के प्रोग्राम करना, फिर
उसको फॉलो अप करना, फिर उसको एजिटेट करना, एडिटेट करना, सही है, ये चीज़ें ना अच्छी नहीं है, ये ख़त्म होनी चाहिए। आप वैसे सिलेक्शन पे ज़रूर एतराज़ करें, ओके आप तैमूर खान ने भी किया है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एतराज़ है और कन्वे कर गया, सारी सही बात है, ही कन्वे कर गया, ठीक है। दिस इज़ गुड। एज ए सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया, एज ए साहब आपको वेलकम करते हैं शो में। जी थैंक यू। अरे सब मैच आपके सामने ही होगा, पाकिस्तान 256 रन स्कोर किए हैं अभी तक, रिजवान पे आउट हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के जा चुके हैं पवेलियन वापस, क्या समझते हैं पाकिस्तान? हम तो सोच रहे थे शायद इससे पहले पिछले सेशन में हम सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान लीड लेगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान 391 तक भी पहुंच पाएगा या नहीं? जी देखिए, जब तक एक टॉप प्लेयर आपका फील्ड में हो, इनफॉर्म प्लेयर, तो ऑब्वियसली चांसेस तो होते हैं सही ओवरहॉल करने के, जो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल बनाया है। एज साहब आपको वेलकम करते हैं, और ये बताइए कि ये सारी सीरीज ड्रा होगी या आप कुछ होप लेके आ रहे हैं, बैठे हुए हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा इस मैच में, और होना चाहिए था, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि लाहौर की विकेट अच्छी होगी, तकड़ा मैच होगा, मगर ये भी डल ड्रैप जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या पीसीबी ने कहाँ गलतियाँ की हैं? और आप बहुत सीजनड ऑर्गेनाइज़र हैं, एक्सपीरियंस है आपका, आप दो चार मोटी मोटी बातें भी इनको बता दें। जी पहली चीज तो ये है कि इनकी प्लानिंग ही कोई नहीं थी सीरीज को होस्ट करने की। अच्छा। उससे आपको अंदाजा आपको होता है विकेटों की स्टेट देख के। देखिए पीएसएल हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, उससे काफी पहले ये डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हुई थी टेस्ट मैचेस की। इन्होंने जो पूरा स्क्वायर था उसके ऊपर थ्रू आउट मैचेस करवाते रहे, पीएसएल के मैचेस भी करवाए इन्होंने, साथ इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी कराई। आप देखेंगे तीनों स्टेडियम्स में बहुत ज्यादा बड़ा स्क्वायर है, 10-10 विकेट्स होती हैं जिसके ऊपर मैचेस हो सकते हैं। सही। तो मार्च में तो बेसिकली काफी ग्रास होना चाहिए था विकेटों के ऊपर, लेकिन जो आपने सूरत हाल देखी वो ये थी कि इन्होंने अब एंड में अपने आप को बचाने के लिए सारा अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पे डालने के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेटर मंगवा लिया। सही। उसकी वजह यही थी कि इन्होंने विकेट्स को सेफ गार्ड नहीं किया, प्लान नहीं बनाया कि इन्होंने टेस्ट विकेट्स किस तरह की बनानी है, कैसी बनानी है और उनको किस तरह किस हाल में रखना है। जिस विकेट पे बहुत क्रिकेट हो जाए उसको फिर आपको बहुत ज्यादा रोल करना पड़ता है उसको 5 दिन निकलवाने के लिए। सही। उसमें ना फिर वो स्पिन होती है ना वो ग्रास होता है उसके ऊपर, तो ब्रेक भी नहीं करती। सही। तो ये बेसिकली लैक ऑफ प्लानिंग थी पीसीबी की, और मेरे ख्याल में इतनी लैक ऑफ प्लानिंग और इतनी अनकंट्रोल्ड विकेट्स, यानी कि जिसके ऊपर इख्तियार ही ना हो बोर्ड का या क्यूरेटर का विकेट्स के ऊपर, ही उस किस्म की विकेट्स बनी है कि डायरेक्शन लेस, पॉलिसी लेस और प्लानिंग लेस और स्ट्रेटेजी लेस विकेट्स बनी है जो तीनों टेस्ट मैचेस की बनी है। सही है। तो एजा साहब ये बताइए कि ये वन डे की टीम भी अनाउंस हुई है, शान का नाम नहीं है, सरफराज मिसिंग है, अहमद वसीम मिसिंग है, उमर अमीन आपका लाहौर का, आगा सलमान वगैरह जिन्होंने परफॉर्म किया है, कई और लड़के अच्छे जो है ना वो मिस हो गए हैं, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान सिलेक्शन का ये जो क्राइटेरिया है कोई है भी है या आप समझते हैं कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पे चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। सही। क्योंकि रमीज राजा साहब खुद कहते हैं कि जी मैं सब कुछ खुद करता हूँ, तो अब ये मालूम नहीं कि वो कर रहे हैं या सिलेक्शन कमेटी कर रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी ने परफॉर्म किया है और आपने नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल इमाद वसीम इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, अभी जो बाहर जाके ही परफॉर्म वेरी वेल, उसको ना खिलाना या इवन टीम में शामिल ना करना, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। सही। और ये इस किस्म के ब्लंडर्स तभी होते हैं जब कोई आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो, तो फिर आप एडहॉक बेसिस पे पिक एंड चूज करते रहते हैं प्लेयर। जब आप एडहॉक बेसिस पे पिक एंड चूज करते हैं प्लेयर्स को और उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, तो जिस किस्म की सिलेक्शन अब नजर आ रही है वो फिर आपको उस तरह की नजर आती। तो सब ये बताइए कि आप, मैंने अक्सर देखा है कि आप रमीज राजा पे काफी तनकीद करते हैं, जेन्युइन भी होती होगी ज़रूर, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी एक सोच है, आपकी एक डायरेक्शन है, आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, तो दो चार बातें कर ही लें रमीज राजा का क्या विजन है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं क्रिकेट, आज दो तीन बातें आप कर ही दें ज़रा तकड़ी तकड़ी, ज़रा लोगों को भी पता लग जाए कि
आप क्यों उन पे एतराज करते हैं? देखें जी, पाकिस्तान की डायरेक्शन अगर जो क्रिकेट की चेंज हो सकती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके हो सकती है। अच्छा, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रमीज राजा को आप छोड़े, आइंस्टाइन को भी ले आए, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। सही। जब तक आपकी ग्रास रूट क्रिकेट, आपके स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए, कुछ छोटी चीज नहीं है कि आपके कोई 4-5 हजार प्लेयर्स अनएम्प्लॉयड हैं, उनके बारे में सोच कोई नहीं रहा। आपके 3-4 हजार स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लब्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रीजन्स हैं, एडहॉक बेसिस पे सब कुछ चल रहा है पिछले 4 साल से, तो इन्होंने भी कंटिन्यू किए वो आके। तो बातें तो करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो रमीज राजा साहब जो हैं, बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। उनकी जो विजन है या थॉट प्रोसेस है, तो वो उस विजन को फिर इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? तो या तो फिर उनको मालूम ही नहीं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनको उस तरह एम्पावर ही नहीं करती कि जिस तरह आप ऑल इंक्लूसिव स्टेक होल्डर्स को ला के और कोई प्लान बनाए, या फिर वो सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। सही है। तो ये ऐसे साहब, आपने पिछले दिनों खबर पड़ी हुई कि कोचिस नए अपॉइंट हुए हैं, शायद महबूब हुए हैं, सिंध का सीईओ अपॉइंट हुआ है, फिर सुल्तान अकेडमी में वसीम हैदर को लगाया गया है, वहाँ से अब्बास को निकाल के तो जीएम मतलब अकेडमी यहाँ पे लगा दिया गया है, हाई परफॉर्मेंस लाहौर में लगा दे, कुछ चेंजेस थोड़ी सी कर रहे हैं। मतलब है कि आपका ख्याल ये है कि ये ठीक चेंजेस हैं पाकिस्तान के जो कोचेज हैं टीम के साथ, सकलैन वगैरह ये वो, इनका टेन्योर क्या है, कितना जाना चाहिए किसी को? पार से अब शॉन टैट आए हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, और शायद उन वो कोई बताएं। तो ये मतलब है कि क्रिकेट की जो स्ट्रेटजी है ये क्या है सारी, या ये है कि बस ठीक है एक रूटीन में इधर से उधर कर दिया, उधर से जिसने फ़ोन किया वो अपॉइंट हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हर चीज में जी देखिए एड हॉकिज्म नजर आ रहा है, सही। कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि किस वजह से क्या किया जा रहा है। सही। आप देखेंगे कि बोर्ड इज नॉट आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर्स, राइट? देखिए ना, जब बोर्ड पब्लिक को आंसरेबल ना हो या स्टेक होल्डर्स को आंसरेबल ना हो, तो फिर आपको विजन भी तो नहीं नजर आती ना पीछे कि आप जो चीजें कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। फिर ना आप लोगों को बताते हैं, ना आप कोई प्रेस रिलीज करते हैं कि जी हमने इस वजह से यही चीज की, ना आपके कोचिंग स्टाफ जो है उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स दी गई हैं। हर सीरीज पे आप कहते हैं जी हमने बाहर से फर्क कोच ले आना है। सही। तो कोई परमानेंसी नहीं है आपके प्रोसेस में, हर चीज एक एड हॉक प्रोसेस के थ्रू चल रही है, और वो प्रोसेस जो वो हर 2-3 महीने बाद वो चेंज हो जाता है। एड हॉकिज्म में यही होता है कि जब आप एक परमानेंट प्लानिंग के तहत नहीं चलते, तो आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंजेस करते रहते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। सही। तो आप फॉलो थ्रू कंप्लीटली कर ही नहीं सकते किसी प्रोसेस को जब तक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप उस पर चले ना। ठीक है। ऐसे सब आप क्या समझते हैं, आप जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसा लग भी रहा है कि आप भी समझते हैं कि पीसीबी में तब्दीलियां बहुत नागुजीर हैं, आप क्या समझते हैं फौरी तौर पर अगर तब्दीलियां हैं तो कौन कौन सी की जानी चाहिए, किस किस पोस्ट के ऊपर स्पेशली तब्दीली नागुजीर है फौरी तौर पर पीसीबी में? देखें जी, पहली चीज तो ये है कि जो नजम सेठी साहब हैं उनको वापस आना चाहिए सही एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो पीएसएल को जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है, इमरान खान साहब के होते हुए कैसे आ सकते हैं वो? क्यों जी, इमरान खान साहब ने और बहुत लोगों के साथ दोस्ती कर ली है, तो इनके साथ क्यों नहीं कर सकते? सही 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 जी। तो सही। दूसरी चीज ये है कि फौरन वो आए और आके इसको ठीक करें पीसीबी को, क्योंकि ये तो अब डायरेक्शन लेस चल रहा है। इमरान खान साहब ने जो भी विजन दी थी पीसीबी को, वो तो क्लियरली जो चेयरमैन जो आए हैं वो तो उसको फॉलो नहीं कर सके। सही। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, आपको थॉट प्रोसेस प्लानिंग चाहिए, और वो मेरे ख्याल में सेठी साहब के पास एम्पल है वो, क्योंकि जो शख्स एक नया प्रोजेक्ट चला के और उसको ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर दे, और वो पाकिस्तान को ओनली टूर्नामेंट इन 75 ईयर्स बन जाए जो प्रॉफिटेबल है, सही, तो वो तो फिर आपको ऐसे बंदे को फौरन लाना चाहिए कि यार आके प्लीज सिस्टम ठीक कर दो।
तो दूसरी चीज ये है कि जो ये इम्पोर्टेड सीईओज लाते हैं इनको प्लीज हमें माफी देनी चाहिए इम्पोर्टेड सीईओज से, ये बहुत महंगे पड़ते हैं जी। खाली पैसों के मामले में महंगी नहीं पड़ती, ज़हनी तौर पर भी महंगे पड़ते हैं जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, क्योंकि ना इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का पता होता है, ये बाहर काम करके आए होते हैं और बिल्कुल डोमेस्टिक कंडीशंस का पता नहीं होता, अपने आप को आइसोलेट करके ये कमरे में बैठ जाते हैं। सही, इनको कुछ पता नहीं होता कि लोकल लोग कौन है, किससे बात करनी है, फोन किसको करना है, काम किसके थ्रू करवाना है। उसमें इनको 6-8 महीने लग जाते हैं सीखते हुए कि काम कौन बंदा करने वाला है, कौन बंदा काम नहीं करने वाला। तो उसी में ही आधा टेन्योर तो इनका सीखने में ही पूरा हो जाता है। तो जो सिस्टम को जानता हो, जो सिस्टम में काम किया हो जिसने, वो तो बड़े इजीली एडॉप्ट कर जाता है। सही सही, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब, इज़्ज़त साहब ने तो बड़ी आज पत्ते की बातें की हैं और इतनी बड़ी तब्दीलियाँ मचा रहे हैं इज़्ज़त साहब पीसीबी के अंदर। यकीनन ये तब्दीलियाँ होंगी ही तो पीसीबी के अंदर निज़ाम चलेगा शायद। सही बात है, मतलब अपने अपनी वैसे सोच है जी, तो इज़्ज़त साहब ने अपने थॉट प्रोसेस या अपना जो भी अनफोल्ड किया है अपनी थिंकिंग को, और काफ़ी हद तक ठीक भी है। ठीक है, और क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, कंपनी भी चलाते हैं, फिर बोर्ड में भी रहे। सही है, क्रिकेट में इन्होंने टीमें भी बनाई, क्लब भी बनाए, तो इनका एक वेल कंसीव्ड एक प्लान होता है इनके पास। और ये अच्छी बात है कि आदमी अपने प्लान के साथ और अपनी बात करे, उनका एक ओपिनियन है एंड वी रिस्पेक्ट। ओके शेख साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त तक 264 रन स्कोर कर चुका है और बदकिस्मती से 6 विकटें पाकिस्तान की हैं वो गिर चुकी हैं। इस वक्त बाबर आजम क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, नुमान भी उनके साथ मौजूद हैं। शेख साहब क्या दिखते हैं, अभी तो हालात ही बिल्कुल बदल गए, जब शो स्टार्ट किया था तो कुछ और था, अभी तो कुछ और हो गया। हाँ, थोड़ा सा बदल गया, अभी मैच में टाइम रहता है, काफ़ी ओवर रहते हैं। अगर एक आध पाकिस्तान की ओवर विकेट गिर गई ना तो पाकिस्तान का फिर 391 तक जाना मुश्किल है। हालाँकि एक एंड पाकिस्तान का सेफ है बाबर आजम की वजह से जी। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि अगर आपने मैच को डिसाइड करना है तो या आप लीड लें और लीड ले के तो फिर उनको बारी दें, यानी कि चौथे दिन का आखिरी सेशन और फिर पांचवें दिन का दें। लेकिन यहाँ तो 364/6 हो गए हैं, अब जो है सारी टेल है। नुमान थोड़ा बहुत अच्छा खेलता है, फिर हसन अली हैं, शहीन है और नसीम शाह है जी, लेकिन बाबर आजम जब तक खड़ा है तो उस वक्त तक आपको होप रखनी चाहिए। सही, अली जिया साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली जिया साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब क्या समझते हैं, 264 रन पाकिस्तान स्कोर के 6 खिलाड़ी आउट हो गए आज, फवाद आलम हैं जो वो कुछ भी पिछली बार भी कुछ नहीं कर सके, इस बार भी आप नहीं समझते कि उनकी शायद यहाँ पे जगह नहीं बनती थी इस टेस्ट में? नहीं देखिए, अभी तो रिसेंट बहुत ही अच्छी फॉर्म थी, एक किस्म का कम बैक था आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, तो वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा खेल रहे थे। ये सीरीज इतनी डोमिनेट की गई है बाय द टॉप ऑर्डर मोस्टली, और एट टाइम्स जहां बहुत स्लो पिचेस होती है और बॉल स्लगिश टाइप के पिचेस गए और बॉल भी बड़ा सॉफ्ट होता है, टाइम्स जो लो मिडिल ऑर्डर उसके लिए रन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली टॉल फास्ट बॉलर्स है, स्टार्क से आउट हुए हैं ज्यादातर, तीनों दफा जब आउट हुए हैं तीनों दफा फास्ट बॉलर से आउट हुए हैं। सही, तो मे भी वो जो पेस है, क्योंकि जो कम बैक था बहुत अच्छा था, 4-3-4 सेंचुरीज की, बट दी एज इज ऑल्सो कैचिंग अप, पिचेस आसान है बस उसके साथ स्लो और लो भी है, तो बहुत पेशेंस की जरूरत है रन करने के लिए यहाँ। और टॉप ऑर्डर जो कि इतना परफॉर्म कर रहा है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जब भी टाइम आया वो डिफिकल्ट सिचुएशन में ही आया और अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं कर सके। लेकिन इस सीरीज के बाद जो दिखता है कि वो क्या सोचता है वो बात की बात है, बट सो फार दिस सीरीज इज कंसर्न उन्हें जो भी चार्ज दिया गया, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1-2 इनिंग्स भी बारी आई थी उनकी, सो वो ये जस्टिफाइड था कि उन्हें ये मैच भी खिलाया जाता। अली भाई आपको वेलकम करता हूँ, और मुझे ये बताइए, 3 मैंने आपसे सवाल करने हैं। नंबर 1 के आप ऑस्ट्रेलियन को कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान में आप तीसरा मैच इख्तिताम की तरफ 2 दिन रह गए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ने कैसी क्रिकेट खेली है, मुश्किल कंडीशन थी उनके लेकिन एडजस्ट करके खेले हैं। दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक को आप कहाँ रेट करते हैं
उसने जो इनिंगें खेली हैं आपने देखी हैं, और एक यंग लड़का है पाकिस्तान का, बैट्समैन बहुत कम उम्र जो होते हैं, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद लोग कह रहे हैं कि एक मतलब एक स्टार पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट लंबी क्रिकेट के लिए मिला है। और तीसरी बात यह है कि दूसरा यंगस्टर ये आप लोगों ने ही किया था अंडर 16 से, मुझे याद है कि नसीम शाह आया था, अभी 19 साल का है और उसने तो मतलब 140 से अबव गेंद करके 4 विकेटें भी ली हैं, मैच को सारा बदला है, वरना हो सकता स्टेडियम 500 कर जाते। इन तीनों पे आपका क्या टेक है अली भाई? अगर अब्दुल्ला शमी की बात कर लेते हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिस्टम से आया है अंडर 19 से, और उसे एज एन ओपनर मुझे याद है अंडर 19 से जब टूर पे जाता था तो 2-3 दफा फेलियर हुआ तो ड्रॉप हो गया। सो बेसिकली उसने एक चैलेंज लिया और उसने जाके अपनी जो टेक्निक पे वर्कआउट किया था, इनफैक्ट वेट थ्रो कर देता था, एक शॉर्ट सिलेक्शन पुअर थी, उसने उसको बेहतर किया। और जब से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आया है, T20 में भी आया, उसने प्रूव किया कि उससे जाके मेहनत की और टेक्निकली बहुत अच्छा है। आई थिंक दी बेसिक टेक्निक जो जब आप टॉप क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल्स तो कहीं भी आते हैं, कोई भी मोहल्ले की भी क्रिकेट हो, बट आई थिंक उसकी बेटर बॉल्स ज्यादा हो जाती है, टॉप बॉलर्स आपको अटैक करते हैं, अपनी वीकनेसेस पे अटैक करते हैं। आई थिंक सो फार अब्दुल्ला शफीक ने का जो डिफेंसिव टेक्निक है एट द पेशेंस, देखिए स्लो पिचेस पे रन करना आसान भी होता है, ये बहुत ईजियर है, पर आपको उसके साथ पेशेंस की जरूरत है, शॉर्ट सिलेक्शन की जरूरत है। एट सो फार अब्दुल्ला शफीक करके इस टॉप क्लास बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया की स्पिन अटैक है स्विप्सन, तो मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगा क्योंकि ओनली लेग स्पिन से पाकिस्तान में कोई नहीं आउट होता अटल अनलेस के फिफ्थ डे और बहुत ही रफ हो और वहां पे बॉल पड़े और ऑकवर्ड सा बाउंस हो, अदरवाइज लेथल लाइन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई सरप्राइज बाय ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान एक बहुत वाजे फर्क है। ऑस्ट्रेलिया भी जब वो मिडिल लेग पे बॉल करता है नेथन तो उसको बाउंस मिलता है, स्पेशली ऑन द थर्ड फोर्थ डे विद द क्रैक्स इंक्रीजिंग, तो वो उसका स्ट्रेटनिंग भी LBW के लिए बड़ा कामयाब होता है और वो बैक बैट्स भी होते हैं। इन पाकिस्तान जहां बॉल स्लो रहता है और बहुत वो इतना बाउंस नहीं होता, आई थिंक द लाइन थ्रू आउट हैज बीन पुअर। आज आप देखिए बल्कि जितने मैचेस में जब उसने कोई एक शॉर्ट स्पेल फ्रॉम आउटसाइड दी ऑफ स्टंप किया है तो बाबर का कैच निकला है, मुझे स्मिथ पे बात करनी चाहिए एक जरूर टेक्निकल बात। देखिए हम यूजुअली देखते हैं टॉप प्लेयर्स को एट दिस लेवल और हम बहुत कहते हैं जी देखिए ये बहुत अच्छा कैच करते हैं और बहुत ये करते हैं, स्मिथ हैज बीन वेरी पुअर, और स्मिथ पुअर होने की वजह उसकी टेक्निक है खड़े होने की, वो जिस तरह इतनी वाइड टागे खड़ा होता है उससे ही कर मूव ऑन आइदर साइड क्विकली। सो आप देखिए जितने कैचेस उसने छोड़े हैं वो सिर्फ उसका हाथ जाता है rather than the whole body and the head going towards the ball. So Pakistan has been lucky. Smith has had an off series as a catcher. लेकिन Nathan Lyon, keep coming back to Nathan Lyon, अगर वो इस लाइन को off stuff, अभी जो फोर्थ इनिंग जब आती है और अगर मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया को लीड लेने का और फिर एक टारगेट सेट करने का, तो आई थिंक Nathan Lyon कैन बी मोर लीथल अगर वो ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल लाता है और एक एक्स्ट्रा फील्डर ऑफ पे रखता है। बट सो फार ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग जो है ना वो हैज बीन एक्सेप्ट दो फास्ट बॉलर्स के और खासतौर पर जो रिवर्स होता है, अदरवाइज कोई ऐसा पेनिट्रेटिंग नहीं रही एक्सेप्ट वन इनिंग जहां 148 पे पाकिस्तान आउट हुआ, वो भी उसकी वजह आप देख ले कि स्टार्ट ने बहुत अच्छा रिवर्स किया था। सही। अब आते हैं नसीब खान पे, नसीब शाह। देखिए नसीब शाह ऑलवेज हैड द पेस, ठीक है, बहुत यंग था हमारे यहाँ, हम पेस पे एकदम जंप कर जाते हैं। उसकी जो पहली सीरीज थी उस पर उसने हैट्रिक भी की, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, इन बिटवीन उसे मैच्योरिटी की जरूरत थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी और उसकी थिंकिंग बल्कि बॉडी को भी मैच्योर हो रहा था, विच हैज ग्रेजुअली मैच्योर्ड नाउ, 2-3 साल हो गए। तो उसने आ था कि इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, उसने जो रिवर्स बॉल किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत एनर्जी शो की है, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द फ्यूचर बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। सही सही। तो अली भाई ये सातवां प्लेयर आउट हो गया नुमान अली, LBW हुआ है, स्टार्क ने किया है,
अब आप क्या लेकिन बॉल लो रह रहा है शिखर, ये जो है ना जो बॉल का लो रहना ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप कितना भी फ्रंट फुट पे जाए बट टॉल फास्ट बॉलर्स जब थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे तो आप तक होगी अगर वो लो रहेगा तो। मैंने आपसे एक जो तीन सवाल किए थे इकट्ठे उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया को क्या रेट करते हैं, यहाँ आके उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, खासतौर पर बैटिंग मार नहीं खाई उन्होंने स्लो और लो पिचेस के बावजूद, उन्होंने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं कि इंडिया में भी किया था, बांग्लादेश में तो शायद T20 चार हार गए थे उस वक्त, लेकिन बहरहाल उनका एक एक्सपीरियंस हो गया है और फिर T20 आपको पता है वहाँ पे जीता उन्होंने UAE में, तो ऑस्ट्रेलियन को आप कैसे रेट करते हैं कि क्या उन्होंने सारा मोड चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले हैं, हाउ डू यू रेट ऑस्ट्रेलियंस? देखिए बांग्लादेश में तो जो आपने जिक्र किया थोड़ा सा उसको टच करता हूँ, बांग्लादेश में तो अपनी जो थी ना टीम प्रिपेयर कर रहे थे वो T20 वर्ल्ड कप जो कि एक्चुअली वो जाके जीत गए, जहां तक उनके खेलने का ताल्लुक है बोर्ड पे बॉलिंग उन्होंने अपने आप को एज ए बैटिंग यूनिट प्रिपेयर किया है ऑन दी स्लो एंड लो पिचेस। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स और बहुत क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास है, सो दे थॉट के थोड़ा बहुत पिच पे घास रखा जाएगा थोड़ा सा बाउंस मिलेगा, बट आई थिंक आफ्टर रावलपिंडी दे असिस्ट देयर टीम और पिचेस को असिस्ट किया ऑपोजिशन को असिस्ट किया एंड दे थॉट के अगर ये पाकिस्तान इज गोइंग टू ड्रॉ गेम और वो इस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे लेट्स गो विद दैट, और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल जंप ऑन दैट। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट मैच जीतना चाहिए, हैविंग सेड कि हेरोइक एफर्ट्स से बाय द ऑल द बैट्समैन सॉरी, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया आई थिंक टेक्टिक्स वर नॉट दैट गुड, क्योंकि दो तीन डिफेंड करवा लेना और 500 रन के करीब ले जाना आई थॉट थोड़ी सी कैप्टेंसी एंड कैचिंग वॉज अप टू द बार। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान इफ ऑस्ट्रेलिया टेक अ लीड पाकिस्तान हैज टू डिसमिस दैट क्विकली, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज इस मैच में डिक्लेयर किया दे गेट द टाइम टू डिक्लेयर देन आई थिंक पाकिस्तान इज इन ट्रबल। ठीक ओके, बहुत शुक्रिया अली ज़िया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख साहब अभी मज़ीद 268 रन हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं, बाबर तो अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, पाकिस्तान कितनी ट्रबल में है इस वक्त? काफ़ी ट्रबल में है, अभी भी आपको पता है 127-28 रहता है जी, बस पाकिस्तान को एडवांटेज यही है कि बाबर मौजूद है और हमेशा की तरह उसी पे रिलायंस है। शेख बाबर अकेला का बेचारा कब तक संभालेगा टीम? नहीं नहीं, वो खैर कप्तान भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और प्लेयर भी अच्छा है, तो बाबर आजम जब तक खड़ा उस वक्त तक तो मुझे उम्मीद है अगर बाबर आजम आउट हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलियन है ना वो लीड ले जाएंगे, और फिर कल का दिन भी आपको पता पड़ा है और वो तेज़ भी खेलना जानते हैं जी, तो इसलिए थोड़ा सा फिर डेंजर हो जाएगा, अल्लाह करे कि बाबर आजम ही खेलता रहे तो फिर स्कोर हो सकता है। ठीक है, शायद एक और खिलाड़ी आउट हो गया, अभी ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के 8वीं विकेट है जो वो उस वक्त हसन अली हैं वो जा चुके हैं, अब शायद ज़्यादा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई ट्रबल में है और पाकिस्तान के लिए मैच है जो वो डेंजर जोन में जा चुका है, पाकिस्तान बमुश्किल 270 रन स्कोर इस वक्त तक कर चुका है, 8 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के 391 रन है। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।